बुधवार को पूर्वांचल में योगियों की तपोभूमि कहे जाने वाले गोरखपुर वासियों को कोर्टयार्ड बाय मैरियट के नाम से 5 तारा होटल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगात दिया। होटल इंडस्ट्री में मैरियट एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल के सामने 7.5 एकड़ में विकसित इस होटल को अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। होटल में विश्व स्तरीय रूम, डाइनिंग के साथ फिटनेस सेंटर, स्पा आदि की भी सेवा उपलब्ध है। निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में उभरते गोरखपुर आने वाले उद्यमियों को कारोबारी के तौर पर ठहरने के लिए एक और शानदार विकल्प उपलब्ध हो गया है। गोरखपुर के सिटी सेंटर में बसे और महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट से मात्र 30 मिनट के ड्राइव पर सुविधाजनक रूप से स्थित 97 कमरों वाला यह होटल गोरखपुर जंक्शन और गोरखपुर बस स्टेशन के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जहाँ से शांत व निर्मल पृष्ठभूमि के रूप में रामगढ़ ताल झील का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होटल के उद्घाटन अवसर पर कहा कि गोरखपुर लगातार नए आयामों को छू रहा है। इसी क्रम में यह 5 तारा होटल यहां के लोगों को रोजगार के साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे बदलाव से भी रूबरू कराएगा। इस अवसर पर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, शिव प्रताप शाही, सांसद रविकिशन शुक्ला, कमलेश पासवान, अतुल सर्राफ, जगदीश आनंद, अनूप सर्राफ सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग व कोर्टयार्ड बाय मैरियट के स्टाफ मौजूद रहे। और हमारे आदरणीय बाबूजी द्वारा ये अंगवस्त्र ओढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। बहुत सुंदर क्षण है, आप सभी की जोरदार तालियां मंच तक आनी चाहिए। स्वागत, अभिनंदन, वंदन माननीय। अनुरोध करूंगी चेयरमैन एशपा ग्रुप श्री अतुल सराफ जी से और श्री जगदीश आनंद जी से, चेयरमैन के ग्रुप, कि इस सुंदर से स्मृति चिन्ह द्वारा आपका स्वागत अभिनंदन करें। ये हम सब का प्रेम है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा जा रहा है। आप सभी की तालियां थोड़ी कमजोर हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। सुंदर स्मृति चिन्ह, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है माननीय। अनुरोध करूंगी श्री अरुण कुमार जी से, वाइस प्रेसिडेंट मैरिज ग्रुप, की पुष्प गुच्छ के माध्यम से माननीय जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत अभिनंदन मैरिज ग्रुप की ओर से आपका। स्वागत की श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगी मैनेजिंग डायरेक्टर एशपा ग्रुप श्री अनूप सराफ जी से और श्री निष्काम आनंद डायरेक्टर के ग्रुप की माननीय पर्यटन मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ के माध्यम से करें। स्वागत अभिनंदन आपका। स्वागत की श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगी श्री वैभव सराफ जी से, डायरेक्टर एशपा ग्रुप के माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ल जी का स्वागत अभिनंदन करें पुष्प कलिका के माध्यम से। एकल पुष्प कलिका के माध्यम से स्वागत अभिनंदन माननीय आपका। श्री सौमित्र सराफ जी से, डायरेक्टर एशपा ग्रुप, आपको आमंत्रित करेंगे मंच। अनुरोध करूंगी श्री ऋषि कुमार सिंह जी से कि माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी का स्वागत अभिनंदन करें। आप सभी की जोरदार तालियां, स्वागत है तो बजती रहनी चाहिए। अनुरोध करूंगी श्री अर्जुन जी से कि माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी का स्वागत अभिनंदन करें। पुनः अनुरोध करूंगी श्री सौमित्र सराफ जी से कि माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ल जी का स्वागत अभिनंदन करें।
अमृजी सिंह डायरेक्टर के ग्रुप, माननीय विधायक श्री विमलेश पासवान जी का स्वागत अभिनंदन करें। और निष्काम जी से ही पुनः अनुरोध करूंगी कि माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी का स्वागत करें अभिनंदन करें। श्री वैभव सराफ जी को पुनः आमंत्रित करूंगी हमारे मध्य माननीय महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी का स्वागत अभिनंदन करने हेतु। श्री सौमित्र सराफ जी से अनुरोध करूंगी श्री धर्मेंद्र सिंह जी का माननीय सदस्य विधान परिषद का स्वागत अभिनंदन करें। श्री आदित्य सराफ जी से अनुरोध करूंगी श्री राजेश गुप्ता जी महानगर अध्यक्ष गोरखपुर का स्वागत अभिनंदन करें। श्री विक्रम सराफ जी से अनुरोध करूंगी कि मंचासीन श्री अवनीश अवस्थी जी का स्वागत अभिनंदन करें। श्री वैभव सराफ जी से पुनः अनुरोध करूंगी मंचासीन पूज्य महंत श्री कालीवाणी जी का स्वागत अभिनंदन करें और मंचासीन पूज्य सतवा बाबा जी का भी स्वागत अभिनंदन वैभव सराफ जी करें। स्वागत अभिनंदन वंदन। और श्री जगदीश आनंद जी से पुनः अनुरोध करूंगी जो कि चेयरमैन है के ग्रुप के मंचा सिंह हम सब के आदरणीय बाबूजी श्री बीके सराफ जी का स्वागत अभिनंदन पुष्प कलिका के माध्यम से करें। और स्वागत की श्रृंखला में स्वागत उद्बोधन के लिए मैं अनुरोध करूंगी श्री अनूप सराफ जी से मैनेजिंग डायरेक्टर एशका के अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज के इस शुभ अवसर पर जब हम प्रदेश के हृदय गोरखपुर को सुंदरतम पर्यटन स्थल के रूप में देखने जा रहे हैं मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज जहां उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को अग्रसर है, क्रूज सेवा को भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक साथ इन दोनों सेवाओं के लिए गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपका आशीर्वाद डबल इंजन की भाजपा सरकार को प्राप्त हुआ तो हर एक क्षेत्र में आपको खुशहाली, विकास का एक नया वातावरण देखने को मिला। देखिए, शुरुआत एक जगह से होती है और वो शुरुआत आपने एक वोट के माध्यम से प्राप्त कर ली। सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण होता है तो विकास दौड़ पड़ता है, सुरक्षा के कारण निवेश आ पड़ता है, सुरक्षा के कारण सुशासन जमीनी धरातल पर दिखाई देता है और अपने ही घर में नौजवानों को रोजगार भी मिलता है। और मैं कहता था ना कि आने वाले समय में यहाँ के नौजवानों को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बाहर के योग्य नौजवानों को गोरखपुर में नौकरी के लिए आना पड़ेगा। और आज इस होटल के माध्यम से शुरू हुआ है। मैं यहां के जीएम से पूछ रहा था कि आप कहां के रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा मुंबई से। यहां पे एक पदाधिकारी से मैं पूछ रहा था आप कहां के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा मैं अहमदाबाद से। यहां पे एक स्टाफ से मैंने पूछा आप कहां के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा मैं दार्जिलिंग से। किसी से मैं पूछ रहा था आप कहां से हैं, कोई पुणे से है, कोई बेंगलुरु से है। यानी लोकल लोगों के साथ साथ, लोकल यूथ के साथ साथ देश के भी स्किल मैन पावर को रोजगार देने का माध्यम गोरखपुर बन रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य का अवसर गोरखपुर वासियों के लिए दूसरा नहीं हो सकता है। और मैं इसके लिए के ग्रुप को और एस्प्रा ग्रुप को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की नीति का लाभ उठाते हुए यहां पर इस 5 स्टार होटल को मैट्रेट ग्रुप के साथ मिलकर के आज
जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज से 10 वर्ष पहले यहां पे उजाड़ था, और जब कभी, यद्यपि तब इधर आने का अवसर भी कम मिलता था और आने की इच्छा भी नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी अगर देवरिया बाईपास रोड को बाईपास करके हमें इधर से गुजरना होता था तो यहां पे एक उजाड़ सा दिखाई देता था। जब मुख्यमंत्री बना मैंने 2017 में, तो मैंने अवस्थी जी से कहा, ये उस समय पर्यटन और संस्कृति का काम कुछ दिनों तक देख रहे थे, मैंने कहा सर्किट हाउस के बगल में एक उजाड़ सा भवन है, क्या है वो? इन्होंने कहा है वो पर्यटन भवन, पर्यटन विभाग का एक छोटा सा भवन है। तो मैंने कहा उस खंडर को क्यों रखे वहां पे? कहा नहीं, हमारी होटल पॉलिसी का वो पार्ट बन गया है और हम उसको अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, 6 वर्ष के अंदर उसी खंडर में आज एक 5-स्टार होटल बन गया है। उस समय की सरकार की सोच खंडर की थी तो खंडर ही था, आज की सरकार की खोज जो सोच है वो 5-स्टार और 7-स्टार की है। एक 5-स्टार होटल के रूप में गोरखपुर और पूर्वांचल वासियों को प्राप्त हो गया, एक बेहतरीन होटल मिल गया है। ये सोच पे निर्भर करता है, जनता जैसे सोचेगी वैसी सरकार आ जाएगी, सरकार जैसे सोचेगी, जनभावनाओं का सम्मान करने वाली सरकार होगी तो सुरक्षा भी देगी, सुशासन भी देगी, तो समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। आज गोरखपुर में क्या नहीं है? और जब हम गोरखपुर की बात करते हैं तो केवल गोरखपुर एक छोटा सा महानगर नहीं है, 20 लाख की आबादी का नगर नहीं है, ये 5 करोड़ की आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, नॉर्थ वेस्ट बिहार और नेपाल की बड़ी आबादी अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने व्यापार के लिए इस गोरखपुर सिटी पे निर्भर करता है। मैं देखता हूं बिहार में बहुत सारे लोग अपने घर की पार्टी कराने के लिए गोरखपुर में आते हैं, होटल बुक करते हैं। बहुत बार वहां के लोग मिलते हैं, कहां जा रहे हैं? साहब रिश्तेदार आए थे और आज का होटल, आज का हमने उनको भोजन देने के लिए कहा था तो हमने फलाने होटल में उनको पार्टी दी है। आप सोचिए, बिहार के छपरा से, सिवान से, चंपारण से जुड़े हुए लोग, और मैंने कहा फिर कहा भोजन करके फिर हम रात्रि को चले जाएंगे। यानी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हुई है, रोड की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, और आज हम तो गोरखपुर में क्रूज सेवा भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब आपके लिए होटल के साथ साथ, 5-स्टार होटल के साथ साथ क्रूज में भी और फैमिली रेस्टोरेंट भी होगा, पार्टी भी दीजिए और साथ साथ वहां पे घूमिए भी 1-2 घंटा, मेहनत भी करिए, परिश्रम भी करिए, और परिश्रम के साथ जब साप्ताहिक में, सप्ताह में, महीने में कोई दिन अवसर मिले, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, पूरे सात्विक भाव के साथ जाइए, देखिए, कभी जू देखिए, कभी रामगढ़ ताल देखिए, कभी होटल में घूमिए, गोरखपुर के अंदर अन्य क्षेत्रों में भ्रमण करिए, अपने शहर को सुंदर बनाने में अपना योगदान